हाँ तो भी मेरे दोस्तों, क्या हाल है भाई? कल बड़ी एक अफसोसनाक वाकया हो गया मेरे साथ। आई थिंक इट्स फर्स्ट टाइम विद मी। कल जब हम वहाँ गए थे वॉलमार्ट, तो वापसी में जब हम बस में चढ़ रहे थे, एक तो हमने पहली बस मिस कर दी, उसके बाद दूसरी बस आई 40 मिनट बाद आई। जिस बस में चढ़ रहे थे उसमें हमने अपना वॉलेट गुमा दिया। तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, जब मैं बस से उतरा और वॉलमार्ट से मैंने स्ट्रॉबेरी ली थी 2 यूरो की, और एक बस सौ पेयर ऑफ सॉक्स लिए थे, तो भाई बड़े महंगे पड़ गए। तो बस से जब मैं उतरा, होटल में आया, होटल में आने के बाद जब मैंने अपनी जेब में और तलाश करी तो वॉलेट नहीं। अब मैं परेशान, मैंने बोला शायद सूटकेस में ना हो। मुझे याद आया कि अभी तो मैं रेलवे से सामान खरीद कर आया हूँ। तो हुआ ये कि वॉलेट खो गया। फिर मैंने 911 पे फ़ोन करा और उनको अपनी सिचुएशन बताई, तो उन्होंने एक नंबर दे दिया बस का, बस जो सर्विस है उसकी, कंप्लेंट्स वगैरह और लॉस्ट एंड फाउंड का। उधर फ़ोन करा वो बंद था क्योंकि रात के 10 बज चुके थे। हम बहुत परेशान था, मतलब कि एक अच्छी बात ये थी, मतलब परेशान था लेकिन इतना नहीं। वो इस वजह से कि मेरा जो पासपोर्ट था वो घर पे था, और जो मेरा वीज़ा था वो भी सूटकेस में था, वो मैंने वॉलेट में नहीं रखा था। तो मुझे तो पता मैं वापस तो चला ही जाऊँगा। बस जो पैसे उसमें बेसिकली जो वॉलेट में जो चीज़ें खोई थी वो थी बेसिकली बैंक के कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स और बहुत सारे कार्ड्स, और हेल्थ कार्ड जर्मनी का, वो भी खरीदना मस्त वाली बात नहीं है बनाना, और लाइसेंस था बेसिकली उसमें जर्मन लाइसेंस, तो उसका बनाने की अपॉइंटमेंट लेना और ये वो। मैं सोच रहा था यार क्या करूँ, और $500 थे और 50 यूरो थे, तकरीबन 600-650 डॉलर्स देखा जाए अगर यूरो को कन्वर्ट कर दिया जाए। और तो मैं पैसों का तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। तो सीन फिर ये हुआ कि मैंने फिर सुबह क्या किया, सुबह सुबह मैं पूरी रात सोया ही नहीं। तो सुबह 6 बजे उठ के मैंने यहाँ से जर्मनी अपने बैंक में फ़ोन कर अपने दोनों कार्ड ब्लॉक करवाए, जो कि ज़रूरी था, ट्रांजेक्शन हो जाती तो पता चला जो, और 90 करोड़ 90 खर्च ये वाली बात हो जाती। तो फिर हुआ ये कि फिर सुबह सुबह फिर मैंने अपने होटल वालों को बोला, शायद मैं होटल में भूल गया हूँ, होटल में किसी ने रख लिया उठा लिया। तो होटल वालों जब मैंने बोला, वो कह रहे हैं कि हम आपको ऐसे कैमराज नहीं दिखाएंगे, आप पहले पुलिस रिपोर्ट लिखवाएं और पुलिस के साथ आए, पुलिस हमें बोलेगी तो लिखवाएंगे। ना चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो मैंने सुबह ही सुबह वहाँ बैठ के ऑनलाइन FIR कटवाई लॉस्ट की, वॉलेट खो गया। और उस फिर मैंने फ़ोन करा तो फ़ोन उठाया नहीं, क्योंकि बहुत अर्ली था उस वक्त भी, मेरे ख्याल से 6:30 बज रहे होंगे। और फिर मैंने क्या करा, एक अकलमंदी मैंने ये करी कि रिपोर्ट मैंने लिखवा दी पुलिस में ऑनलाइन, जिस बस में मैं गया था, बस नंबर 79। मैं दोबारा से स्टॉप पे गया, मैंने बस ड्राइवर, जो रैंडम कोई भी बस ड्राइवर था, उसको मैंने अपनी जब चीज़ें बताई तो उसने बोला कि 311 पे फ़ोन करें। जब मैंने 311 पे फ़ोन करा, अगेन इट वॉज टू अर्ली, नो बडी वॉज वेक एट 6:30 AM। तो उसके बाद ये हुआ कि जब 311 का नंबर मिला तो मैंने उस पर फ़ोन करा, और फ़ोन करने के बाद मैंने उनको बोला कि कह रहे हैं कि अभी हमारे पास नहीं है, अगर आपको अगर आएगी भी तो आएगी 12 बजे के बाद फ़ोन करिएगा, फिर हम बताएंगे आपको। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी यार कि वॉलेट मिल जाएगा या उनके पास होगा या कैसे मिलेगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। ये बहुत बड़ा सिटी है यार मायामी, और कोई कहीं भी उठा ले, वैसे भी यहाँ पे कोई इंडिजिनियस लोग तो है नहीं, यहाँ पे सारे इमिग्रेंट्स हैं, और everyone has their own minds। तो मैंने बोला कि नहीं यार नहीं मिलने वाला, लेकिन एक आखिरी कोशिश ट्राई कर लो। तो फिर हुआ ये कि मैंने फ़ोन करा और उनको बोला कि भाई अगर कोई भी चीज़ मिले तो मेरा फ़ोन नंबर, नाम है और ईमेल एड्रेस ये रख लो, मुझे मेल कर देना। उसके बाद मैंने जब होटल वाले को बोला कि भाई मैं कैमरा दिखा, बोला नहीं दिखाएंगे। मैं भागा भागा गया मैं पुलिस स्टेशन, वहाँ पे मैंने पुलिस जा ही रहा था, इतनी तेज़ बारिश, मैं भीग गया था। तो 15 मिनट का रास्ता, वो 30 मिनट लगे बारिश रुके भागो, मतलब ऐसे जाते जाते। फिर जब गया, उन्होंने तो मना कर दिया, उन्होंने बोला आप जाएं फलाना नंबर पर फ़ोन करें तब हम पुलिस भेजेंगे, यहाँ से आपके साथ नहीं भेजेंगे। मैंने बोला लो। फिर वही बारिश में दोबारा भाग के अब होटल आया, होटल के नंबर पे फ़ोन करा उनको, पुलिस वाला आया। जब वो यहाँ पर आया तो होटल वालों के पास, जिसके पास एक्सेस होता है कैमरे का, वो बंद ही नहीं थी, कैमरा तो देख ही नहीं सकते थे। मैंने बोला कि यार बुराई आई है कसम से, इतनी बुरी बुराई कि क्या बताऊं। तो भाई 911 वालों ने मना कर दिया,
और पुलिस वाले ने मना कर दिया, लेकिन FIR कट चुकी थी, उससे क्या ही होता। तो फिर हुआ ये कि मैंने फ़ोन करा लॉस्ट एंड फाउंड को तकरीबन 2 बजे दोपहर के। फिर मैं सो गया, आके टेंशन में और क्या करता। उठा, फिर मैंने कुछ खाया पिया और फ़ोन करा, बोला हाँ मैं कुछ मिला तो है, आप आके देख लें, बता भी नहीं कि क्या मिला है क्या नहीं मिला। तो अब मैं बस में बैठा, किसी एक बंदे से जो होटल में रुका हुआ था उससे मैंने उधार लिया, उधार किया, उसको PayPal के ज़रिए पैसे दिए और उससे कैश लिया, क्योंकि कार्ड तो मैं बंद करवा चुका था, मैं कहीं कार्ड यूज़ ही नहीं कर सकता था पैसे निकलवाने के लिए बस का टिकट ख़रीदने के लिए। तो अल्लाह के भले आदमी ने उसने मुझे कैश दिया, बस कैश पे लेके जाती हूँ, बस में चढ़ा तो बस वाले ने मुझे उतार दिया, कह रहे भाई ये $20 का नोट नहीं चलेगा, $1 के लेकर आओ, अगली बस अब 1 घंटे बाद। फिर 1 घंटा रोड पे धूप में 32 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़े होकर इंतज़ार करते 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 3:30 बज गए, सही है। तो 3:30 बज गए, तो 3:30 बजे मैं बस में चढ़ाऊँ, बस में चढ़ने के बाद खुले मैंने ले लिए थे, और कोई यहाँ पे खुले ही नहीं देता, ये बड़ी बुरी बात है, मतलब कि कोई चेंज ही नहीं देता, जब उसे उसकी किडनी मांग ली वैसे। तो मैं जैसे ही पहुँचा लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर पे, तो एक बंदी मेरे आगे खड़ी हुई थी, वो कह रही थी 1 महीना होने वाला है मेरी चीज़ खो गई है, अभी तक नहीं मिली, और वो उदास होती, मतलब शी हैज़ अ सैड फेस एंड शी वेंट फ्रॉम देयर। उसका मेरा नंबर आया, मैंने कह रही है कि यार, फिर मैंने अपनी स्टोरी बताई कि भाई मेरा वॉलेट खो गया है, और मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने बोला कि शायद आपके पास आया, शायद। तो उसने कंप्यूटर में मेरा नाम पूछा, अब्बास लास्ट नेम, बट कह रही हाँ आया, तो उसने डब्बे में देखा, छोटे से डब्बे में मेरा वॉलेट था। तो भाई आप लोग यकीन नहीं करोगे, अभी मैं लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में खड़ा हुआ और वॉलेट मुझे मिल गया है, जिसके लिए मैंने बहुत ही जद्दोजहद करी, और आई एम सो सरप्राइज एंड आई एम सो हैप्पी। या मतलब 5-10 यूरो कम है, और मेरे ख्याल से $20-30 कम है, तो इट्स ओके, बट आई फाउंड माई वॉलेट एंड इट्स इंटैक्ट, नॉट इंटैक्ट बट इट हैज़ मोस्ट ऑफ द थिंग्स, आई एम सो हैप्पी। आई वॉज सो फ्रीकिंग सरप्राइज के मैन, आई एम सो लकी और अनलकी, आई डोंट नो व्हाट शुड आई से, बिकॉज आई लॉस्ट इट देन आई फाउंड इट अगेन, द लेडी इन फ्रंट ऑफ मी शी डिडंट गेट हर स्टफ बैक। एक्चुअली उसने, उस बंदी ने भी अपने वॉलेट ही घुमाया था, तो उसका वॉलेट नहीं मिला, तो मेरा मिल गया, और मैंने पेपर पे दिल्ली साइन करे, उसको थैंक यू बोला, और मैं वहाँ से निकला, मैंने बोला कि यार आई एम सो हैप्पी। तो तकरीबन उसमें ज़्यादातर पैसे थे, मतलब 10 यूरो कम थे और $20-30 कम थे, तो मैंने बोला चलो जाने दो। तो लेकिन वॉलेट मिल गया, उसमें तकरीबन सारी चीज़ें, और वीज़ा पासपोर्ट मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, तो यार बहुत खुशी हो रही, यकीन आ भी रहा है, मतलब आई एम सरप्राइज। चले फिर, अच्छा दिन हो गया। तो भाई ये थी सारी पूरी स्टोरी वॉलेट घूमने की, और कैसे वो वापस मिला और क्या क्या परेशानियाँ आई उसकी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, बाकी की मायामी की वीडियो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।